अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाय हाउ आर यू, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू देहाती बाबू ब्लॉग, फिर से नए वीडियो के साथ। दोस्तों, लोग कहते हैं ओमान का वीज़ा कितने दिनों में आता है, तो ओमान का वीज़ा आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कॉमेंट करके बताएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियो को। तो मैं बताता हूँ कि कितने दिनों में वीज़ा आता है ओमान का। तो पहले तो कंपनी रिक्रूटमेंट शेयर करती है, जो वांट होता है वो उसको शेयर करती है। अगर हम उस स्टेट से हैं या उस जॉब को अच्छा लगता है मुझे, तो मैं उसका रिज्यूम उस कंपनी को मेल करता हूँ। कंपनी को मेल करने के बाद कंपनी को हमारी सूटेबल लगती है रिज्यूम, तो हमें मेल का जवाब देती है और कॉल करती है। उसके बाद हमें बोलती है इतने तारीख को इंटरव्यू होगा, जूम होगा, फेस टू फेस होगा इंटरव्यू, दोनों में से बता देता है। उसके बाद अगर हम जूम इंटरव्यू कराते हैं या फेस टू फेस करते हैं, तो उसके बाद इंटरव्यू हम लोग का फेसअप करने के बाद हम लोग का ऑफ़र लेटर आता है। 2 से 3 दिनों में ओमान से ऑफ़र लेटर हमारा कंपनी से आ जाता है। उसके बाद अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस में ही पेज पे ऑफ़र लेटर पे सिग्नेचर करा लेती है। अगर घर पे आप हैं, ऑनलाइन दिए जूम इंटरव्यू, तो आपको ऑनलाइन PDF फाइल भेजता है कंपनी मेल पे, और करने के बाद वो हम लोग पेज निकालते हैं सिग्नेचर उस पे करके, फिर PDF फाइल स्कैन करके हम लोग कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद कंपनी बोलती है कि आप ठीक है, आपका फॉरवर्ड हो गया, आप अपना गम का मेडिकल कराओ। तो हम लोग का गम का मेडिकल होता है मात्र 3 दिन, ऑफर लेटर इधर हो गया और 4 से 1 हफ्ता इधर रख लो, मतलब 8-9 दिन 10 दिन रख लो मेडिकल गम का कराने के बाद। हम लोग गम का मेडिकल कराने के बाद वो गम का हम लोग कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं, किसे, जो मुंबई और दिल्ली और चेन्नई में ऑफिस है उसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं ऑफिस वाले को। वो हमारा क्या करता है, वो हमारा मेडिकल आपको ओमान कंट्री भेजता है गम का मेडिकल। उसके बाद वो गम का मेडिकल कंपनी जब देखता है कि ये बंदा फिट है, मेडिकल इसका सही है, तब वो वीज़ा इशू करता है। वीज़ा इशू हो जाता है मेडिकल के लगभग 4 से 5 दिन में वो वीज़ा इशू कर देता है। जो टोटल आपको मैक्सिमम जो वीज़ा ओमान का आता है वो टोटल डेज होता है 20 डेज। 20 डेज में हमारा वीज़ा आ जाता है हमारे पास, कंपनी को भेज देता है, कंपनी हमें फॉरवर्ड करती है मेल पे या व्हाट्सएप पे। उसके बाद वीज़ा आने के बाद कंपनी आपको 20 से 25 दिन, मतलब 20 दिन इधर लग लो प्रोसेस, 5 दिन इधर, मतलब फ्लाइट का टिकट, टोटल आपको 25-24 डेज में आपका काम ओमान का आप चले जाते हो, वीज़ा आ जाता है, टिकट भी आ जाता है और आप ओमान चले जाओ। मतलब 20 से 25 दिन में हम लोग ओमान कंट्री जा सकते हैं। आप यहाँ पे भी वीज़ा दे करोगे हमारा, मैं भी गया था 3 महीना के लिए ओमान गया हुआ था, जो मेरा मात्र 17 दिन में वीज़ा आ गया था और 22वें दिन मैंने फ़्लाइट किया था। ये ओमान का है वीज़ा, आप देख रहे होगे हमारा वीज़ा है। मैं ओमान भी रह चुका हूँ 3 महीना के लिए मैं गया था, कंपनी मुझे रोक भी रही थी, मैं बोला कि मैं नहीं रहूँगा 3 महीने के लिए आया था मैं, फिर वहाँ से 3 महीना बाद मैं एग्जिट मार के आ गया, शटडाउन में गया था 3 महीने के लिए। तो आप ओमान का वीज़ा हमारा देख रहे होंगे दोस्तों। अगर कोई भी रिलेटेड ओमान से कतर, दुबई, सऊदी, बहरीन के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना है तो हमें कॉमेंट करें और हमारे से बात करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। फिर से नई वीडियो में मैं मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।